नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी करंट आउटस्टैंडिंग नेगेटिव में शो करती है तो ये क्या होती है, क्या आपको बिल भरने की ज़रूरत है, और इसका कोई नुकसान अगर आपको होता है तो वो क्या होता है, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी जो आउटस्टैंडिंग है वो नेगेटिव में शो कर रही है, हम कन्फ्यूज हैं कि हम बिल भरें या ना भरें। अगर बिल नहीं भरेंगे तो कहीं हमारा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा और हम पे लेट चार्ज और इंटरेस्ट भी लग के कहीं ना आ जाए। तो लोगों के ये सब सवाल थे जो कि आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, करंट आउटस्टैंडिंग अगर आपकी नेगेटिव शो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने कार्ड में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जमा करा दिया है। तो ऐसे में आपका बिल बन के आता है, अगर वो नेगेटिव में शो करता है तो आपको बिल भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग तो आपको नेगेटिव में शो करते हैं लेकिन वो बिल में उसको नेगेटिव कुछ दिखाते नहीं है, तो ऐसे में भी आपको बिल भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बार आप अपनी अवेलेबल क्रेडिट लिमिट को चेक कर लें, जो कार्ड की लिमिट है उसके बराबर है, उससे ज़्यादा है, तो आपको बिल भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये एक केस में अलग हो सकती है, अगर आपने EMI पर कुछ सामान लिया हुआ है तो आपकी जो करंट आउटस्टैंडिंग है वो नेगेटिव में आ सकती है और आपकी जो लिमिट है वो भी आपको कम दिखाई जा सकती है, क्योंकि लिमिट आपकी जो है EMI पर खरीदे गए सामान में ब्लॉक हो जाती है। तो अगर आपकी आउटस्टैंडिंग नेगेटिव है तो सबसे पहले वेरीफाई करें अपने ट्रांजेक्शन्स को कि आपने कहाँ पर ज़्यादा पैसा जो है भर दिया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, मतलब जितना आपने खर्चा और आपने उससे ज़्यादा भर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आउटस्टैंडिंग है वो नेगेटिव में हो जाएगी और आपका जब बिल बन के आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा और आपको बिल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल में एक्सिस बैंक क्या करता है, एक्सिस बैंक में अगर आपकी नेगेटिव भी आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है बिल में, वो बताते नहीं है कि आपको ये नेगेटिव है, वो चाहते हैं आप और भर दें, तो ऐसे में आपको बिल भरने की ज़रूरत नहीं है। आप मिनिमम ड्यू को देख लीजिए, अगर वो जीरो दिखा रहा है तो इसका मतलब है जो आपकी आउटस्टैंडिंग नेगेटिव शो कर रही थी वो नेगेटिव ही आपके बिल में आई है। और कई बार क्या होता है कि लोग जो है भरते चले जाते हैं डर से कि भैया क्रेडिट कार्ड का चक्कर है, इंटरेस्ट लग जाएगा या फिर लेट पेमेंट फी लग जाएगी, तो उनको पहले अपने स्टेटमेंट में एक बार जाना चाहिए कि कहाँ पे ऐसा हुआ है कि पैसा कार्ड में जमा कर दिया गया है, गलती से कर दिया है, या फिर कहीं से भी आपने कोई परचेस किया वो चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई तो आपको रिफंड भी आ सकता है, तो उससे भी आपकी आउटस्टैंडिंग नेगेटिव हो सकती है, या फिर किसी ने गलती से कोई कार्ड नंबर गलत डाल दिया और आपके कार्ड में पैसा हो गया, इस कंडीशन में भी आपकी जो करंट आउटस्टैंडिंग है वो नेगेटिव शो कर सकती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कार्ड में भर दिया है और आपको इतना पैसा जब तक आप खर्च नहीं कर लेते तब तक आपका बिल नहीं बन के आएगा पॉजिटिव में। बिल बन के भी आता है नेगेटिव आउटस्टैंडिंग के साथ में तो आपको बिल भरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इससे आपका कोई सिविल स्कोर ख़राब होता है, ना ही आपको कोई पेनल्टी पड़ेगी, ना ही लेट चार्ज फी लगेगी, तो नुकसान इसका कुछ है नहीं, बेनिफिट भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने एडवांस में पैसा भर दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, उस पैसे का इस्तेमाल आप और भी कहीं कर सकते थे। तो अगली बार से अगर आपके कार्ड में नेगेटिव में दिखाता है आउटस्टैंडिंग तो परेशान मत होइएगा, ये नॉर्मल चीज़ है, ये मेरे साथ भी होता है, कई कई बार मेरे को रिफंड आ जाता है और मैं बिल पेमेंट कर देता हूँ तो वो चीज़ नेगेटिव में चली जाती है। ये इस तरह से होता है कि मान लीजिए आपका बिल जनरेट होता है 1 तारीख को और आपने 30 को कोई सामान खरीदा, कोई भी सामान लिया जो कि आपको बाद में पसंद नहीं आया, लेकिन आप उससे पहले अपने बिल का भुगतान कर दिए और जब उसका रिफंड आएगा तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में शो करने लग जाएगा क्योंकि आप बिल भर चुके हैं और वो रिफंड भी उसमें आ गया है। तो यही कारण है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।